तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोको M2 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 का अपडेट कुछ यूज़र्स को देखने के लिए मिला है एंड कुछ यूज़र्स अभी भी हैं जिन्हें अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, जिस अपडेट का वर्जन आप लोग को MIUI 13.0.2.0 का देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस, ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 2.6 GB का देखने के लिए मिल गया है। फाइल साइज इसी वजह से लंबा देखने के लिए मिला है क्योंकि यार आप लोग को ना दो अपडेट एक साथ देखने के लिए मिल जाता है, MIUI 13 एंड एंड्रॉयड 12 का। तो देखो यार, ये अपडेट ना अभी कुछ यूजर्स को देखने के लिए मिला है एंड कुछ यूजर्स हैं जिन्हें अपडेट देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है। तो यार, जिस दिन ये पोको M2 डिवाइस में MIUI 13.0.2.0 का अपडेट देखने के लिए मिला था, उस दिन दो अपडेट पोको M2 डिवाइस में देखने के लिए मिला था। एक मिला था MIUI 12.5.7.0 वर्जन का अपडेट, उसके लगभग 7 से 8 घंटा बाद अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ MIUI 13.0.2.0 का। यार बहुत सारे जो यूजर्स है ना, वो अपने पोको M2 डिवाइस को MIUI 12.5.7.0 वर्जन के साथ में अपडेट कर लिए थे। एंड गाइस, जो यूजर्स अपने पोको M2 डिवाइस को MIUI 12.5.7.0 वर्जन के साथ में अपडेट नहीं किए थे, जिनका पोको M2 डिवाइस MIUI 12.5.6.0 वर्जन में अपडेटेड था, उन्हें MIUI 13.0.2.0 का अपडेट देखने के लिए मिला, यार वो यूजर्स अपने डिवाइस को अपडेट कर लिए हैं। तो जिन पोको M2 डिवाइस के यूजर्स MIUI 12.5.7.0 वर्जन के अपडेट में अपडेट कर लिए हैं अपने डिवाइस को, उन्हें अभी तक MIUI 13.0.2.0 वर्जन का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। तो यार आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोग को भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, यार हो सकता है कि आप लोगों को ना अक्टूबर महीना के इन वीक या फिर नवंबर महीना के फर्स्ट वीक से अपडेट मिलना स्टार्ट हो सकता है। सो गाइस, आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोगों को भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि अपडेट जो देखने के लिए मिलेगा, तो अपडेट का फाइल साइज कितना होगा, तो वही यार 3 GB के आसपास में आप लोग को फाइल साइज देखने के लिए मिलने वाला है। एंड आप अपडेट को कैसे डाउनलोड करेंगे कि आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए ना मिले, यार आप लोग को क्या करना है कि आपको अपडेट जैसे ही देखने के लिए मिलेगा, तो यार आप जो अपडेट को डाउनलोड में लगाएंगे ना, तो आप अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करना, अपडेट को आप कहीं पे भी पॉज नहीं करना। अगर आप अपडेट को कहीं पे भी पॉज कर देते हैं, उसके बाद फिर से आप डाउनलोड में लगा के डाउनलोड कंप्लीट होगा तो आप इंस्टॉल करेंगे, तो यार क्या होगा कि आपको कुछ बग एंड इशू फेस करना पड़ सकता है। इसी वजह से ना आप अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करके उसके बाद इंस्टॉल करना। एंड गाइस, जो पोको M2 डिवाइस के जो यूजर्स हैं जिन्हें MIUI 13.0.2.0 वर्जन का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो यार वो निश्चिंत रहे, अपडेट देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा अलर्ट रहकर सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके यार अपडेट को भी आप चेक करते हैं ना। खैर गाइस, पोको M2 डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।